साथ अमित जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में हमने 3000 के प्राइसेस, 3000 के नीचे प्राइसेस को जाते हुए देख लिया है और 2800 पर ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या बिनौला खल अभी भी फिर से 3400 वाले लेवल्स दिखाने की ताकत रखता है, या फिर बिनौला खल में अब यहाँ से तेजी नहीं आएगी और गिरावट ही बनेगी? नहीं देखिए, मेरा मानना है कि लगभग 4 महीने हो गए थे और मैं काफी टाइम से 3350 के एक लेवल की बात कर रहा था। हालांकि उसका जो बेस था वो 2900 का ही था, जैसे हमने काफी बार डिस्कस किया है। क्योंकि वो बेस निकल गया है तो कुछ दिनों तक हम एक साइडवेज का कारोबार देख सकते हैं, जहाँ पर अपसाइड जो होगा वो 2950 से 3000 के आसपास सीमित होगा और डाउनसाइड जो होगा वो 2700 के आसपास ही रहेगा, उसके ज्यादा नीचे किसी को नहीं देखता। तो मुझे लगता है एक सीमित दायरे में कारोबार होगा। हालांकि बहुत ही छोटी अवधि की बात करें, एक या दो सेशन की, तो मुझे लगता है पहले करीबन 2950-80 तक के लेवल हमें देखने मिलेंगे, यानी मेरे ख्याल से यहाँ से तेजी की संभावना है जी।